हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज होने वाला है WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट एक्सट्रीम रूल्स, और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इस शो के फुल ऑफिशियल मैच कार और उनके विनर्स प्रेडिक्शन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस शो का पहला मैच होने वाला है एक फाइट पिट, द ओरिजिनल ब्रो मैट रिडल वर्सेस द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे फॉर्मर UFC हैवीवेट चैंपियन डेनियल कॉर्मियर। कुछ रूमर सामने आ रहे हैं कि डेनियल कॉर्मियर का एक सिंगल्स मैच होगा क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर के साथ। तो इस मैच में हमें ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बात की जाए इस मैच के विनर की, तो मैं विनर प्रेडिक्ट करना चाहूंगा मैट रिडल को। वैसे तो सेथ रॉलिंस के जीतने के भी कुछ चांसेस हैं। और फिर इसके बाद अगला मैच है एक सिक्स मैन टैग टीम गुड ओल्ड फैशनड डोनी ब्रुक मैच, बुच द केल्टिक वॉरियर शेमस रिच होलैंड द ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस गिवानो विंसी लुडविक काइजर एंड द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द रिंग जनरल गुंथर द इंपीरियम। कुछ हफ्ते पहले स्मैकडाउन पर भी हमें यह मैच देखने को मिला था और जिसमें द इंपीरियम की जीत हुई थी। तो मुझे लगता है इस बार द ब्रॉलिंग ब्रूट्स की टीम इस मैच को जीतने वाली है। और फिर इसके बाद अगला मैच है रो वुमेंस चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच, द रो वुमेंस चैंपियन द ESTऑफ WWE बियांका बेलेयर वर्सेज द लीडर ऑफ डैमेज कंट्रोल द रोल मॉडल बेली। और अगर बात की जाए इस मैच के विनर की, तो इस बार बियांका बेलेयर अपना टाइटल जल्द हारने वाले नहीं है और मेरे हिसाब से वो इस टाइटल को रेसलमेनिया तक ले जाने वाली है। तो मैं विनर प्रेडिक्ट करना चाहूँगा स्टील रो वुमेंस चैंपियन बियांका बेलेयर। और फिर इसके बाद अगला मैच होने वाला है एक आई क्विट मैच, द रेटेड आर सुपरस्टार एज वर्सेज द लीडर ऑफ जजमेंट डे फिन बैलर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। हाल ही में हुई रो पर एज ने रिटर्न किया था और फिर उन्होंने चैलेंज किया था फिन बैलर को, तभी ये मैच कंफर्म हुआ था एक्सट्रीम रूल्स के लिए। और ये एक आई क्विट मैच है, तो एज किसी भी हालत पर इस मैच को हारने वाले नहीं है। और फिर इसके बाद अगला मैच होने वाला है स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए एक एक्सट्रीम रूल्स मैच, द चैंपियन ल्यू मॉर्गन वर्सेस द बेस्ट वुमन ऑन द प्लैनेट रोंडा राउजी। अगर बात की जाए इस मैच के विनर की, तो ल्यू मॉर्गन ऑलरेडी ही दो बार हरा चुकी हैं रोंडा राउजी को, तो रोंडा राउजी किसी भी कीमत पर इस मैच को हारने वाले नहीं है। तो ल्यू मॉर्गन को हरा कर बन जाएंगे न्यू स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन। फिर इसके बाद होने वाला है इस शो का मेन इवेंट एक स्ट्रैप मैच, द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस फॉर्मर NXT चैंपियन कैरियन क्रॉस। कैरियन क्रॉस का WWE में ये पहला PPV मैच है, तो वो इस मैच को हारने वाले नहीं है। और जैसा कि अब हमें पता लग चुका है कि वाइट रैबिट हमें एक्सट्रीम रूल्स पर देखने मिलने वाले हैं, और सुपरस्टार जो इसके पीछे हो सकता है वो डेफिनेटली ब्रे वायट ही है। तो इस मैच में हमें ब्रे वायट इंटरफेयर करते हुए नजर आ सकते हैं और वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे कैरियन क्रॉस की, और कैरियन क्रॉस इस मैच को जीत जाएंगे। और कुछ इस तरह हमें ये शो ख़त्म होता हुआ नजर आएगा, जहां ब्रे वायट अपनी लॉन्ग अवेटिंग रिटर्न करेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।